चलिए दोस्तों, आज जो है हम देखेंगे पेपिस्टेन के बारे में। बेसिकली जो है ये साइटोलॉजी में, गायनेक साइटोलॉजी के लिए करते हैं, लेकिन इसमें जो है मैं साइनोवियल फ्लूड है हमारे पास, सेंट्रीफ्यूज किया, डिस्कार्ड किया सुपरनेटेंट और सेडिमेंट से जो है स्लाइड इस तरीके से प्रिपेयर किया, देख रहे हो आप लोग, और इसको जो है फिक्स कर दिया हमने। फिक्स होने के लिए जो है 95% एल्कोहल में डाला, उसके बाद 10 मिनट फिक्स करना है, उसके बाद जो है 100% एल्कोहल में जो है इसको स्टेनिंग जो है हमारा स्टार्ट होगा। यहाँ से 100% एल्कोहल में जो है 1 मिनट के लिए रखेंगे, उसके बाद 95% एल्कोहल में जो है 1 मिनट के बाद ट्रांसफ़र कर दिया। इसमें भी 1 मिनट तक रखना है हमें 95% एल्कोहल में। उसके बाद 1 मिनट बाद जो है हम स्लाइड को जो है 50% एल्कोहल में जो है ट्रांसफ़र करेंगे। इस तरीके से हमने ट्रांसफ़र कर दिया 50%, और 50% एल्कोहल में भी 1 मिनट के लिए रखना है, ठीक है। 1 मिनट रखने के बाद जो है अब हम इसको जो है वॉश करेंगे, है ना, वाटर से। इस तरीके से हमें जो है वॉश करना है 30 सेकेंड के लिए वॉश करना है। वॉश करने के बाद जो है अगला जो स्टेनिंग हमारा होगा हेमेटॉक्सिलिन का होगा, है ना। तो ये हेमेटॉक्सिलिन में जो है हमें 5 मिनट तक रखना है ना। तो ये हेमेटॉक्सिलिन में जो है हमने रख दिया है, और 5 मिनट हो गया। 5 मिनट के बाद जो है अब हमें अगेन जो है इसको वॉश करना है वाटर से। तो इस तरीके से वाटर से जो है हमने वॉश कर दिया इसको, और वॉश करने के बाद जो है फिर जो है अगला जो है 1% एसिड एल्कोहल है, तो इसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं, बिल्कुल डिप करना है आपको, है ना। उसके बाद तुरंत जो है वाटर में रखना है, ठीक है, वाटर में रखना है, वॉश करना है उसको। उसके बाद वॉश करने के बाद जो है अगला जो है हमारे पास 75% एल्कोहल है, तो 75% एल्कोहल में जो है ट्रांसफ़र करना है स्लाइड को, है ना। ये भी जो है हम 1 मिनट के लिए रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो है अगेन 95% एल्कोहल है हमारे पास, 95% एल्कोहल में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसमें भी 1 मिनट के लिए हम रखेंगे इसको, उसके बाद 100% एल्कोहल है, एब्सोल्यूट एल्कोहल, उसमें ट्रांसफ़र करेंगे। इसमें भी हम 1 मिनट के लिए रखेंगे इसको, है ना। 1 मिनट होने के बाद जो है अगला जो है हमारा ऑरेंज G6, नेक्स्ट स्टेनिंग जो है हमारा ऑरेंज G6 है। ऑरेंज G6 में जो है हमें रखना है, ये जो है 30 सेकेंड के लिए रखेंगे, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है ना। 1 मिनट के लिए भी रख सकते हैं। ऑरेंज G6 के बाद जो है अगला जो है हमारा 95% एल्कोहल है, तो अगला 95% एल्कोहल दूसरा भी वही है, तो इसमें भी 1 मिनट के लिए रखना है हमें 95% एल्कोहल में। अगेन जो है हम इसको 1 मिनट के लिए रखेंगे 95% एल्कोहल में। उसके बाद जो है ईओसिन एजियोर है हमारे पास, ईओसिन एजियोर 50, ठीक है। तो इसमें स्टेनिंग करना है हमें, ये भी स्टेनिंग है। नेक्स्ट जो है इसमें 30 सेकेंड के लिए रखेंगे हम ईओसिन एजियोर में, और उसके बाद 30 सेकेंड के बाद जो है फिर हमें जो है 95% एल्कोहल, ये फिर जो है इसमें हम 1 मिनट के लिए रखेंगे ईओसिन एजियोर के बाद 95% एल्कोहल में हमने रख दिया 1 मिनट के लिए। उसके बाद अगला जो है फिर से अगेन 95% एल्कोहल है दूसरा जार हमारे पास, इसमें भी हमें जो है रखना है 1 मिनट के लिए 95% एल्कोहल में। फिर जो है हमारे पास एब्सोल्यूट एल्कोहल 100% दो जार रखे हुए हैं, इनमें भी हमें जो है 1-1 मिनट के लिए रखना है। इस तरीके से हमने जो है लास्ट जो है हमारा 100% एब्सोल्यूट एल्कोहल है, इसके बाद जो है हमें ड्राई करके जाइलिन में डालना है, और उसके बाद देन जो है हम इस तरीके से ड्राई हो गया हमारा स्लाइड। अब जो है हमें इसे क्या करना है, माउंट करना है, तो कवर स्लिप से जो है हमें DPX की सहायता से इसको माउंट कर देना है। उसके बाद जो है हम इसका रिजल्ट देखेंगे, तो रिजल्ट जो हमारा शो करता है दोस्तों, न्यूक्लियाई जो है हमें ब्लू कलर का दिखाई देगा, एसिडोफ्लेक्स सेल्स जो है रेडिश पिंक कलर के, और उसके बाद पैराबेसल सेल्स हैं ब्लू कलर के, कैंडिडा एल्बिगेंस होगा तो रेड और पेल पिंक कलर के, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस होगा तो ग्रीन कलर का दिखाई देगा, ग्रे या ग्रीन। थैंक यू।